चैप्टर नंबर 11 की रिव्यू एक्सरसाइज आपकी डिस्कस कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 11 की रिव्यू एक्सरसाइज में फर्स्ट टू क्वेश्चंस आपके पास प्रूफ करने वाले हैं, तरह से जिसने आपने चैप्टर 11 में थ्योरम्स वगैरह पढ़े तो वही थ्योरम्स वाले क्वेश्चन यहाँ पर है, तो रिव्यू एक्सरसाइज में वो एड नहीं कर रहा। अभी हम एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हैं, थर्ड से ऑनवर्ड काम कर रहे हैं। थर्ड में आपसे कहा है राइट ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट आपसे कहा है, सवाल आपसे कहा है बाइसेक्शन ऑफ साइड मीडियन। आपके पास जिस तरीके से ट्राइंगल अगर मैं दोबारा ड्रॉ करूं, यहाँ पर मीडियन ड्रॉ करना है। मीडियन क्या करता है, मिड पॉइंट को कट करता है। तो जो साइड मीडियन है, मतलब इस साइड की बात हो रही, मीडियन जिसको कट कर रहा है उस साइड की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये होता है बाइसेक्शन ऑफ साइड मींस वी डिवाइड द गिवन साइड इंटू टू पार्ट्स। आपके पास साइड की बाइसेक्शन हो रही है, इसका मतलब क्या है, आप अपनी साइड को दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। जाहिर है आप मिड पॉइंट का मतलब क्या है, बीच में से इक्वल हाफ में कन्वर्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्शन या बाइसेक्शन, इसमें फर्क क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट कोई भी हो सकता है, बाइसेक्शन मतलब इक्वल हाफ, मिड पॉइंट बोले या बाइसेक्टिंग पॉइंट बोले, जैसे आपने पीछे एंगल बाइसेक्टर या लाइन बाइसेक्टर पढ़ा, तो आगे बाइसेक्टर मतलब इक्वल हाफ में तकसीम करना। तो ये बात ट्रू है। इन अ राइट एंगल, सेकंड पे आ रहे हैं, इन अ राइट एंगल एन आइसोसेलस ट्राइंगल ईच एंगल ऑन द बेस इज 45 डिग्री। अब मेरे पास अगर एक आइसोसेलस ट्रायंगल में ड्रॉ करता हूं जिसमें आपके पास बेस 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, तो आपके पास ये बात दुरुस्त है कि दोनों एंगल्स अगर आपके पास 45 डिग्री के होंगे। आपसे कहा है सवाल में इन अ राइट एंगल्ड एंड आइसोसेलस। अब एक आइसोसेलस जब हमारे पास राइट एंगल्ड होती है तो आपके पास ये इसी तरीके की फिगर बनेगी। आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ये भी एक आइसोसेलस ट्राइंगल की फॉर्म ऑलमोस्ट है। तो बहरहाल आपसे क्या है कि यहाँ पर ईच एंगल ऑन द बेस इज 45 डिग्री, तो आपकी बेस में दोनों एंगल 45 डिग्री होंगे, तो ये यहाँ पर दुरुस्त होगी, ये आपका ट्रू कहलाएगा। तो यहाँ पर आपने ट्रू लिखना है। थर्ड आ जाए, ट्राइंगल ऑफ कॉन्करेंट साइड हैज कॉन्करेंट एंगल्स। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है उसकी साइड कॉन्करेंट, कॉन्करेंट का मतलब सिमिलर, सेम है, तो उसके एंगल्स भी सेम होंगे, तो ये आपने थ्योरम में प्रूफ किया हुआ है वाकई ऐसा होता है, तो ये बात ट्रू है। क्लियर है ये? तो यहाँ पर अब फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा है एमसीक्यूज हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन वाले। फर्स्ट एमसीक्यू है देयर आर ब्लैंक दी हुई है, कितने नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये पीछे भी इस तरह का एमसीक्यू हमने पढ़ा है, देयर आर 3 एंगल्स, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमेशा 3 एंगल्स होंगे। आपके पास हमेशा एक्यूट एंगल के सारे लेस देन 90 होते हैं, तो लेस देन 90 डिग्री को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन आपके पास सी करेक्ट है। सेकंड पार्ट में आपसे क्या है, अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है फॉर एग्जांपल ए बी, या आपके पास ए से बी तक की लाइन सेगमेंट है, आपने एक ऐसा पॉइंट लेना है जो कि ए से जितना डिस्टेंस पे उतना ही डिस्टेंस बी से हो। अब वो पॉइंट यहां पर भी हो सकता है, पॉइंट इधर भी हो सकता है, तो ये वाला पॉइंट हमेशा उस लाइन पे होगा जो कि आपकी ए बी लाइन को बाइसेक्ट कर रही होगी एट सर्टेन पॉइंट। अब आपका पी से लेके अगर पॉइंट ये यहां से ट्रेवल कर रहा है, ये भी हो सकता है ए बी, तो पी से ए तक का डिस्टेंस बराबर है पी से बी तक के डिस्टेंस के। तो ये कंडीशन जब भी आएगी तो पॉइंट आपका राइट बाइसेक्टर के ऊपर होगा। तो यहां पर आपके पास जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। सेकंड में आपका पॉइंट इक्विडिस्टेंट होता है फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ये हमेशा इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। इस किस्म का आपने पीछे थ्योरम भी पढ़ा है और ये थ्योरम से ही रिलेट कर रहा है, वहीं से आपको वाला दिया। नेक्स्ट पे आ जाएं, थर्ड पे, थर्ड एमसीक्यू में कहा है डैश ऑफ द साइड ऑफ अ एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल अगर हम बनाते हैं, लेट सपोज यही इसी किस्म की कोई ट्राइंगल बनाते हैं। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल कोई सी भी हो सकती है, आप राइट एंगल के अलावा कोई भी ट्राइंगल ले लें, राइट एंगल और एक्यूट एंगल, आप इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लें, आप आइसोसेलस ट्राइंगल ले लेंगे, सारी एक्यूट एंगल ट्राइंगल की टाइप है। विच साइड ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इनसाइड द ट्राइंगल। इंटरसेक्ट कर रही है हर एक को इनसाइड द ट्राइंगल, तो इनसाइड द ट्राइंगल आपके पास ये कहीं एक बन रहा होगा, और ऐसी कौन सी आपकी साइड है जो कि इंटरसेक्ट कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊ, इनसाइड द ट्राइंगल अगर मैं इसके मिड पॉइंट से एक बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, आपके पास यहाँ पर एक मिड पॉइंट से अगर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, एक ये हो गया, दूसरा बाइसेक्टर अगर यहाँ से ड्रॉ करूं तो वो दूसरा ये हो गया, तीसरा आपके पास यहाँ पर कहीं होगा तो तीसरा आपके पास इस तरीके से आ गया। तो आपके पास ये जो बाइसेक्टिंग पॉइंट है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीनों का आएगा, इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है। इंटरनल साइड का मतलब क्या,
इनसाइड द ट्राइंगल ये पॉइंट आ रहा है और ये जो लाइंस हैं ये आपकी ट्राइंगल को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब यहाँ पर इंटरसेक्ट करने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपको मिड पॉइंट पे ही करना है, लेकिन मिड पॉइंट पे करेंगे तो आपके पास ये पॉइंट आएगा। अगर मिड पॉइंट पे नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये वाली बाइसेक्टिंग लाइन कर लें, तो आगे उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन तीनों का नहीं आएगा। तो सवाल में आपसे कहा है विच ऑफ द साइड ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ट्राइंगल अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, इसकी कौन सी साइड इंटरसेक्ट करेगी ईच अदर इन साइड द ट्राइंगल, तो इसमें ऑप्शन आपके पास आएगा राइट बाय सेक्टर। जो राइट बाय सेक्टर है ये आपकी लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेके आएगा। फोर्थ पे आ जाए, फोर्थ में आपसे कहे द बाय सेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर। जो एंगल के बाय सेक्टर है ट्राइंगल के वो क्या होते हैं, ऑप्शन गिवन है कॉन्करेंट होते हैं, कोलिनियर वगैरह, तो इससे रिलेटेड आपने पीछे पढ़ी हुई है सारी थ्योरी वगैरह। आपके पास जितने भी बाय सेक्टर एंगल्स एंगल ऑफ अ बाय सेक्टर आप निकालेंगे तो वो एक पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी पे मीट हो रहे होंगे। तो जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी बायसेक्टर हैं, ये सारे कॉन्करेंट हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये आपका छोटा सा काम था चैप्टर नंबर 11 का। तो 11 की रिव्यू एक्सरसाइज यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली।